हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज है हमारे पास गोदरेज का एयरमेटिक एयर फ्रेशनर। तो करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, उसके पहले देख लेते हैं बॉक्स के ऊपर क्या लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है 2200 स्प्रेस गारंटीड, और बॉक्स के पीछे इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आप वो पॉज करके पढ़ सकते हो। और MRP यहाँ पे 600 रुपीज़ दिए, लेकिन वो इतनी नहीं है। सो चलिए शुरू करते हैं। ओपन करते ही आपको मेन यूनिट दिख जाता है, और इसके अलावा बॉक्स में कुछ भी नहीं है। सो हम बॉक्स साइड में कर देते हैं। मेन यूनिट को पॉलीथीन से बाहर निकालते हैं। सो ये पूरा इसका जो बिल्ड है, ये प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है। इसमें एक स्टैंड भी आपको दिया है, जो आप रोटेट करके निकाल सकते हो या लगा सकते हो। इसमें आपको पीछे एक टांगने के लिए यहाँ एक ऑप्शन है। सो अगर मैं इसके साइड में देखूँ तो यहाँ पे टाइमर दिया है, ऑफ 10, 20, 40 मिनट्स। मतलब आप जिस हिसाब से इसे सेट करते हो, आप वो हिसाब से ये स्प्रे करेगा। अगर इसको मैं ओपन करूं, आपको अंदर ये एक कैनिस्टर मिल जाएगा, जिसको आप ख़त्म होने के बाद रिफ़िल कर सकते हो, या आपको अलग से 200-250 रुपये के आसपास मिल जाएगा मार्केट में। और आपको दो AA बैटरीज लगेंगी, जिसके थ्रू ये ऑपरेट होगा। तो मैं आपको दिखाने के लिए इसको 10 मिनट्स के टाइमर पर डालता हूँ। लेट्स सी अगर ये स्प्रे करता है। देखो, इसने स्प्रे कर दिया है। ये इनिशियल स्प्रे है, अभी नेक्स्ट स्प्रे इसका 10 मिनट के बाद होगा। तो ये था अपना अनबॉक्सिंग गोदरेज एयरमेटिक का। आपको अगर पसंद आए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। थैंक यू।